हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों देखिए, आज हम लोग जो है पेज नंबर 43 पर देखेंगे कैलकुलेशन रिलीजन, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। रिवीजन में आपका पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन आपका देखिए बच्चों, लिखा है सेवन प्लस सेवन, यहाँ पर आपका टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 है, प्लस सेवन, और यहाँ पर आपका बाप होना होता है इनटू एक सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर ये 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8, ठीक है। यहाँ पर आपका बाप देखते हुए बनाए गए हैं, और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है
नंबर का रिपीट होता है वो नंबर आपका मार्किंग टिकट होता है उसको आप पहले वाले बॉक्स में ठीक करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे पहले क्वेश्चन में सेवन ए नंबर है जिसका रिपीट बार बार हुआ है जैसे एक्शन के रूप में, तो निश्चित तौर पर जो है सेवन आपका क्या हो जाएगा मार्किंग टिकट हो जाएगा। और दूसरा जो आपका बॉक्स है उसको भरने के लिए हम ये देखते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है सेवन जिसका एडिशन के रूप में रिपीट हुआ है वो कितना टाइम जो है रिपीट हुआ है इसको हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट टाइम ये रिपीट हुआ है। तो एट क्या हो जाएगा, एट आपका मल्टीप्लायर है, एट क्या हो जाएगा मल्टीप्लायर हो जाएगा। और जिस नंबर का रिपीट होता है वो मल्टीप्लिकेट होता है, वो नंबर कितना टाइम रिपीट होता है वो जो है आपका मल्टीप्लायर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन भी आप सब कर सकते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले आपने ये हम देखते हैं कि एट का यहाँ पर रिपीट हुआ है एट के रूप में, तो एट आपका रिपीट हो गया ठीक है। और एट कितना टाइम रिपीट हुआ है उसके लिए आपको काउंट करने की जरूरत है, यहाँ पर आप काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन टाइम रिपीट हुआ तो सेवन हो जाएगा मल्टीप्लायर ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से, यहाँ पर देखेंगे आप कहेंगे यहाँ पर फोर का रिपीट हुआ है तो फोर आपका फर्स्ट वाले बॉक्स में इसको क्लिक कर देंगे और सेकेंड बॉक्स में आपको मल्टीप्लायर लिखना है तो इसको काम करना पड़ेगा वन टू थ्री फोर, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा सेम उसी तरीके से। जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको आप स्वयं कर सकते हैं, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे ठीक है, ये बिल्कुल हलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी फिल इन द ब्लैंक ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी बी लिखा गया है उसको फील इन द बॉक्स पे, फील इन द बॉक्स पे खाली स्थान को आपको भरना है ठीक है, ब्लैंक या बॉक्स पे ठीक है। यहाँ आपको देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन सेवन मल्टीप्लाई बाई थ्री यहाँ पर आपको ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई का फाइव क्वेश्चन, यहाँ ठीक करेंगे थर्ड क्वेश्चन एट इंटू फोर इक्वल टू, यहाँ ठीक करेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन है नंबर देखिए लिखा है आपको देखिए इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन 6 क्वेश्चन के द्वारा आप यहाँ पर इसको समझेंगे ठीक है। इसको आपको यहाँ पर केवल लिखना है बार बार को आपको भरना है कि इसमें कौन सा नंबर आएगा, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का नंबर लगा हुआ है तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा निश्चित तौर पर ये जो है आपका प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट से ही आपको यहाँ पर ठीक करना है ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते करते आपको बताया गया था जब इसका एक्सरसाइज पढ़ाया जा रहा था तो हम थ्री का टेबल सेवन टाइम या फिर सेवन का टेबल थ्री टाइम दोनों तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में आपका आर्डर प्रॉपर्टी या फिर कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी जो है अप्लाई होता है, तो
यहां पर 3 मल्टीप्लाई 7 करेंगे 3 का टेबल आप 7 टाइम पढ़ेंगे बच्चों तो आता है आपका 3 7 21 3 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3 7 21 आपका ये आएगा प्रोडक्ट आएगा यहां इसको सी कर लेंगे बेटा आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहां 9 5 लिखा है इसको 9 का टेबल 5 टाइम भी पढ़ सकते हैं आप या फिर 5 का टेबल 9 है अभी आपको बताएगा यहां पर आगे प्रॉपर्टी जो है लाइन का है आप उसका क्रम चेंज कर सकते हैं ठीक है क्रम चेंज करने पर भी आपका जो प्रोडक्ट आएगा सेम आता है ठीक है इसलिए आप 9 का टेबल 5 टाइम पढ़िए या फिर 5 का टेबल 9 टाइम पढ़िए दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा तो आप 5 का टेबल आप पढ़ेंगे 9 टाइम तो 5 टाइम क्या होता है 45 इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो मल्टीप्लिकेशन वाले होते हैं यहां पर हमको टेबल लर्न करने की जरूरत है तो टेबल आप लर्न करेंगे और टेबल को रीड करके प्रोडक्ट आप उठाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 × 4 तो 4 का टेबल आप 8 टाइम पढ़िए या 8 का टेबल 4 टाइम 4 8 का टेबल क्या होता है 32 4 8 का 32 और नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से 5 × 8 है तो 8 5 का आप रीड कर सकते हैं या फिर 5 8 का ठीक है 8 5 का या फिर 5 8 का ठीक है तो ए आपका आ जाता है 8 5 का होता है 40 ठीक है 8 5 का क्या होता है बच्चों 40 40 ठीक कर लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 5 × 5 दोनों नंबर सेम है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 का क्या आता है 25 यहां 25 की करेंगे उसी तरीके से बच्चों यहां आप करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 9 तो 9 का टेबल 7 टाइम या 7 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे आप 9 टेबल का क्या आता है 63 इस तरीके से आप टेबल का यूज करते हुए प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और बॉक्स को फिल करेंगे ठीक है जो बॉक्स आपको बनाया गया है प्रोडक्ट के लिए उसको फिल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई ठीक है जिसमें आपका टेंशन हुआ उसको सकता है टेंशन भी हो सकता है ठीक है देखिए वो स्टेप नंबर 3 सीधे लिखा है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मतलब आपको टेबल बना लेना है ठीक है यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है इंटू यहाँ पर टू और ये बात सर्किट वाले काम पर बना है इसका मतलब कि चेंजिंग स्टेट होगा यहाँ पर ठीक है देखिए का टेबल हम स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं देखिए स्टेप फर्स्ट इसमें आप क्या करेंगे ये आपका मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं 3 डिजिट का है 123 और मल्टीप्लाई 1 डिजिट का है तो सबसे पहले हम जो है ये मल्टीप्लायर का यहां से मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन के 1 डिजिट से ठीक है तो यहाँ पर 3 इनटू 2 करेंगे तो आ जाएगा 6 6 में आप देख रहे हैं केवल 1 डिजिट है 1 डिजिट है 6 में तो यहाँ पर नो चेंजिंग कोई आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर 6 आप कर लीजिए अब इस 1 नंबर 2 में आएंगे
यहां पर इसके सेकंड स्टेप में बच्चों आपको क्या करना है, यहां लेवल का मल्टीप्लाई करेंगे। अभी थ्री में टू का मल्टीप्लाई किए हैं, फर्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में लेवल का कितने मल्टीप्लाई करेंगे, टू में बच्चों, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेवल मल्टीप्लाई बाय टू इक्वल टू आता है आपका 40। क्या आता है, 40 आता है। तो 40 के लिए जो 4 है बेटा, 4 हम क्या हम बताई देंगे, और जो 1 क्या होगा, एक कैरी के रूप में नेट डाला है, क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इन तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ 49 था, टेस्ट में जब हमने मल्टीप्लाई किया स्टार्टिंग का, तो यहाँ 49 लिखा, हमने 40 टोटल नहीं लिखा, इसको चेंज कर दिया, यहाँ केवल हमने 4 लिखा और यहाँ पर कैरी में हमने 1 लगा दिया। तो इसी को कहा जाता है चेंजिंग टेस्ट, ठीक है, टेस्ट में आपको चेंज मिलेगा। अब हम थर्ड स्टेप क्या करेंगे, इसके नंबर थर्ड, इसमें हम बनाए हंड्रेड के प्लेस पर जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 इक्वल टू आपका आता है यहाँ पर 2, क्या आ जाएगा 2। अब 2 में हम क्या करेंगे, एक जो हमारा कैरी लगा हुआ है वह इसको भी ऐड करेंगे, इसको हमें क्या करेंगे, कैरी को ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरीके का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, उसमें एक क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मिला। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, लिखा है आपका 128 और मल्टीप्लाई छोटे नंबर से केवल मल्टीप्लाई, यहाँ पर चेंजिंग आपको 1 मिलेगा, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, इसके फर्स्ट में पहले मल्टीप्लाई आप देखिए, 3 डिजिट का नंबर है, मल्टीप्लाई में 1 डिजिट का नंबर है, तो इसके पर इसके मल्टीप्लाई करके फर्स्ट स्टेप में जो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप आपका 8 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसमें 8 × 2 इक्वल टू 2 का डबल एट टाइम पढ़ेंगे आपका आएगा 16 में आप देख रहे हैं कि 2 डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है, केवल आप यहाँ पर ऐड करेंगे और ये 1 जो है 10 के कालम में चला जाएगा, यहाँ से 10 जो है 10 के कालम में जाकर के 1 टेन बन जाएगा, तो यहाँ पर 1 कैरी है, ठीक है। उसके बाद इसके 2 में आएंगे, इसके नंबर 2 यहाँ क्या करेंगे, 2 में 2 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 2 × 2 = 4 4 आ गया, लेकिन अभी अभी आपको यहाँ पर कैरी जो लगा है इसको ऐड करना है, तो कैरी आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। 5 आ गया, यहाँ 5 कीजिए और उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आएंगे, स्टेप नंबर 3 में तो आपको 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 2 = 2 आप कहाँ से यहाँ, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में अंतर आपने देखा, वहां पर उसमें चेंजिंग मेल हुआ था, लेकिन आपको यहाँ पर चेंजिंग वर्ल्ड हो गया, ठीक है, मतलब वर्ल्ड वाले में ही कैरी लग करके टेंथ में चला गया, ठीक है। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 तक। अभी इस कम्युलेटिव रिवीजन में क्वेश्चन नंबर 3 तक जो हमने बताया, इसमें का क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे, साथ ही आप होमवर्क लिख बच्चों थोड़ा सा नोट करेंगे यहाँ पर। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 2 ये नोट करके यहां से फील इन द वाक्य फील इन द वाक्य फिर करेंगे और यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको केवल मल्टीपल लाइन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर मल्टीपल लाइन करना है यहां पर बच्चों ये तीन क्वेश्चन आपको दिया गया है और हम इसको कंप्लीट करेंगे उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कम्युलेटिव यूजर का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें आपका प्रॉब्लम क्वेश्चन भी है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन तब तक के लिए बाय बाय बच्चों टेक केयर